कि देट यू गेट गुड पोजिशन इन द माइंड ऑफ द कस्टमर आपकी जो इमेज है इन द माइंड ऑफ द कस्टमर वो पॉजिटिव हो वो हमेशा कस्टमर इनक्रेज कस्टमर हो आपके लिए वो कस्टमर हमेशा आपके लिए पॉजिटिव बाइंग कस्टमर की शक्ल में आए लेट मी गिव यू गुड एग्जाम्पल्स फॉर इट फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पोजिशनिंग मैप ऑफ है जो कि ऑफ द फूड रिटेल स्टोर है तो दो तरह के पैरामीटर्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू विच इज़ लो वैल्यू एंड हाई वैल्यू एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइस विच इज़ लो प्राइस एंड हाई प्राइस तो अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल एलडी स्टोर की तो हमारे पास डिस्कशन में ये नज़र आता है कि ये स्टोर या ये सारे स्टोर्स लो प्राइस और लो वैल्यू ऑफ़र कर रहे हैं टू द कस्टमर इसी तरीके से वो स्टोर जो यहाँ फॉल करते हैं नंबर टू ग्रिड में इफ कंसिडर दिस एज नंबर वन ग्रेट ये वो स्टोर हैं जो कि लो प्राइस और हाई वैल्यू ऑफर करते हैं अगर आप नोटिस करें प्रैक्टिकली तो आपको कोई भी स्टोर ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि जो कि लो प्राइस भी दे रहा हो और हाई वैल्यू भी दे रहा हो तो अल्टीमेटली इस तरह का जो स्नेरियो uh, है वो एग्जिस्ट बहुत ही कम करता है फिर हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर आते हैं थर्ड ग्रिड के ऊपर आते हैं जो कि वो रिटेल स्टोर हैं जो कि हाई वैल्यू और हाई प्राइस मीन्स दे आर ऑफरिंग हाई वैल्यू टू द कस्टमर बट एट द सेम टाइम दे आर चार्जिंग हाई प्राइस टू द कस्टमर इसमें हमारे पास हैरड्स की एग्जाम्पल है हमारे बापी आर एस एम की एग्जाम्पल है एम एन एस की एग्जाम्पल है वेटरोस की एग्जाम्पल है तो ये वो स्टोर हैं जो कि हाई वैल्यू भी ऑफर कर रहे हैं कस्टमर को और हाई प्राइस भी चार्ज कर रहे हैं इसी तरीके से हमारे पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ये उन स्टोर्स के बारे में है जो कि लो वैल्यू ऑफर कर रहे हैं बट दे आर चार्जिंग हाई प्राइस ऑफ कोर्स ये वाला क्वाड्रेंट भी लाइक क्वाड्रेंट टू एस सच एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इफ़ यू आर ऑफरिंग हाई चार्जिंग हाई प्राइसेस यू हैव टू ऑफर हाई वैल्यू प्रोडक्ट इफ़ यू विल चार्ज हाई प्राइस एंड यू आर वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज लो ऑफ कोर्स नॉट गेट एनी टर्न ओवर यूर पोजिशनिंग इसी तरीके से अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ नॉन फूड के प्रस्पेक्टिव में स्पेशली अगर हम बात करते हैं क्लोदिंग के परस्पेक्टिव में क्लोदिंग की एग्जाम्पल के हवाले से तो हमारे पास जो दो पैरामीटर हैं वो बेसिक और फैशन है ऑन वन साइड इज बेसिक क्लोदिंग एंड दर शाइनीज साइड इज फैशन क्लोदिंग और फिर वैल्यू प्रोडक्ट है वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है या यूर टॉकिंग अबाउट अ लग्जरी प्रोडक्ट तो इसी तरीके से अगर मैं पोजिशनिंग uh, की बात करता हूँ कस्टमर कैसे पोजीशन कर रहा है फॉर एग्जांपल स्टोर्स जो कि स्क्वाड्रंट के अंदर आ रहे हैं ये वो स्टोर्स हैं जो कि बेसिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ये वाले स्टोर्स क्वाड्रेंट वन के एंड दे आर गिविंग वैल्यू टू द कस्टमर जिसमें गैप की एग्जाम्पल है सी एन ए की एग्जाम्पल है रैनर्स की एग्ज़ाम्पल ये वो स्टोर हैं वो रिटेलर्स हैं जो कि बेसिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं दे आर नॉट सेलिंग फैशन प्रोडक्ट्स एंड दे आर गिविंग वैल्यू टू द कस्टमर दे आर नॉट ऑफरिंग लग्जरी बट दे आर ऑफरिंग वैल्यू टू द कस्टमर दूसरे क्वार्रंट के अंदर the हमारे पास वो रिटेलर्स हैं कि जो कि कस्टमर को फैशन ऑफर कर रहे हैं जिसमें एच एन एम की एग्जाम्पल इज वन ऑफ द फेमस एग्जाम्पल्स फैशन ऑफर कर रहे हैं बट दे आर ऑफरिंग वैल्यू टू द कस्टमर ऐसा नहीं है कि वो कस्टमर uh, को वैल्यू uh, ऑफर नहीं कर रहे दे आर ऑफरिंग वैल्यू टू द कस्टमर एज वेल एज फैशन तो उन्होंने जो अपनी पोजिशनिंग इन द माइंड ऑफ द कस्टमर की है कि कस्टमर उन्हें एक फैशन ब्रांड समझता है और कस्टमर ये भी uh, समझता है कस्टमर के लिए ये भी एक इमेज है कि ये वैल्यू ऑफर करते हैं कस्टमर जो रिटेलर थर्ड क्वार के अंदर आते हैं, वो ये वो रीटेलर्स हैं जो कि फैशन भी ऑफर कर रहे हैं और लग्जरी भी ऑफर कर रहे हैं इसमें जो टॉप नाम हमारे पास है रिटेलर का वो जारा का भी है और एम के का भी है तो ये दोनों फैशन भी ऑफर कर रहे हैं और वन साइड एंड लग्जरी भी ऑफर कर रहे हैं ऑन द अदर साइड सो कस्टमर की पोजीशनिंग पोजिशनिंग पोजीशनिंग ऑफ रिटेलर इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर फॉर जारा फॉर एम के फॉर टॉप शॉप फॉर जॉन जॉन इज दैट दे आर द फैशन ब्रांड्स एंड दे सेल लगजरी इसी तरीके से अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूँ तो हमारे पास ये वो ब्रांड्स हैं ये वो रिटेलर्स हैं कि जो कि बेसिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं दे आर नॉट सेल फैशन बट इन द बेसिक दे आर एक्चुअली सेलिंग लग्जरी इसमें बर्बरी इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल इसमें सी के इज वेरी गुड एग्जाम्पल इसमें टॉमी हिल फिगर इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल जो कि फोर्थ क्वार्रंट के अंदर है दे आर ऑफरिंग स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट नॉट फैशन प्रोडक्ट बेसिक प्रोडक्ट्स बट देव बिन फोकस्ड ऑन लग्जरी तो जो फोर्थ क्वाडर के अंदर रिटेलर हैं कस्टमर उनकी पोजिशनिंग ऐसे करता है कि इफ आई आई नीड टू बाई बेसिक प्रोडक्ट्स

कस्टमर प्रसिव हाउ अ कस्टमर थिंक अ पोजिशन अबाउट अ रिटेल स्टोर जिस तरीके से अनदर फेमस एग्जाम्पल इज अबाउट फाओ जो कि हमारे पास एक स्टोर की एग्जाम्पल है हमारे पास एक ऐसा स्टोर है जिसकी पोजिशनिंग इन द माइंड ऑफ द कस्टमर इज अबाउट लग्जरी इज अबाउट हाई एंड स्टोर और उसकी अगर मैं आपको इंटीरियर एग्जाम्पल शेयर करूँगा तो दिस विल लुक लाइक दिस दैट The store is not a, a new store; it is an old store from the 1800s, and they sell uh, luxury and they sell value to the customer, and then they sell fashion to the customer. So ultimately, customer will get clear understanding, clear positioning of uh, this store as a retailer, and customer will react accordingly. You need to understand that. जैसे आपकी positioning in the mind of the customer ultimately वैसी ही प्राइस कस्टमर आपको पे करने के लिए रेडी होगा और जैसी प्राइस कस्टमर आपको पे करने के लिए रेडी होगा अल्टीमेटली आपके मार्जिन आपके प्रॉफिट्स सारी चीजें उसी के ऊपर डिपेंडेंट है